बनाने आते हैं लेकिन हम हिंसा करके नंबर लेने जाते हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है हर जगह पता नहीं कोई क्या कर रहा है। सोहेल भाई हमारा इतना प्यार था किसी को पता नहीं कहा है। कोई कहता दुबई घूमने गए कोई कहता फिल्म बनाने गए भाई ये तो हमें पता है मेंटल बना रहे हम सबको भाई जब से अरवाज आए सोहेल को कोई नाम नहीं ले रहा है। ये तो वही बात हो गई काजू खाने को मिले सींग दाने को पूछ नहीं रहा है। हर जगह भ्रष्टाचारी महिलाओं के साथ लूटपाट हो रही है। कल अर्चना जी केला खा रही थी बंदर छीन के आ गया कहती मैं FIR करवाऊंगी। मैंने कहा जाने दो आपके मामा का लड़का है रहने दो हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। नमस्कार बेबात की अदालत में आप सभी का स्वागत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उन्हीं में से एक है योगी बाबा जो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और मेरी हंसती हुई शक्ल देखकर तो आप मुझे पहचान ही गए होंगे। मैं हूँ भगत शर्मा। तो जज साहब मुलजिम यहाँ मौजूद है। बाबा को इंटरव्यू को बोल के जज में बुला लिया ये क्या हुआ था भाई। बाबा ने कोई गुनाह नहीं किया एक बार गुनाह किया था किसी का पर्स मारा था उसने मुक्का मार के मेरी एक आंख छोड़ दी फिर भी उसके बाद बाबा ने कोई गुनाह नहीं किया। नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं। देखिए ये वो जज नहीं है वो तो पढ़े लिखे होते हैं। इनसे पूछो कि 5 लाख और 5 लाख कितने होते हैं तो ये कहते हैं 2 एपिसोड। तो बाबा जी अगर आपकी इजाजत हो तो सवालों का सिलसिला शुरू करें। आप मुझे हम बड़ी देर से देखते आ रहे हैं आप बचपन से सवाल बड़े पूछते हैं। एक बात बताइए भगत जी जी आपको कभी हंसते नहीं देखा क्या हुआ TRP नहीं आ रही कि ऐड नहीं मिल रही चैनल को। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं जरूर हंसता हूँ। चलिए मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूँ ये बताइए अनशन के बारे में आप क्या कहेंगे। कुछ नहीं अनशन मैं नहीं जानता अनशन क्या है कौन है अनशन हमें नहीं पता बाबा अनशन नहीं करता है। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं आप अपनी बात खुल के बोल सकते हैं। अच्छा भाई बड़ा बुरा हुआ हमारे साथ बाबा अनशन में बैठा था बाबा भूख से कमजोर हो गया लोगों को लगा बाबा योग कर रहा है बाबा भूखा मर रहा था पसलियां बाहर निकल आई कमजोरी की वजह से ऐसे ऐसे अंग बाहर आ गए जिसकी नॉलेज हमें भी नहीं थी बड़ा बुरा हुआ हमारे साथ। वाकई बहुत बुरा हुआ बाबा जी मतलब आप अनशन नहीं करेंगे। नहीं बिल्कुल अनशन करूंगा बाबा जब तक अनशन करता रहेगा जब तक हमारा विदेशों में पड़ा हुआ काला धन भारत वापस नहीं आ जाता। अच्छा अच्छा मतलब आप काला धन लाने के लिए नेताओं को धोखेबाज साबित कर देंगे। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है भैया काला धन लाने के लिए वहां पे एक विदेशी अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है इनके पास तो इतना पैसा है इनके ट्विटर अकाउंट पे करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है। पर बाबा आप भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करके छोड़ेगा बता रहा हूँ। तो बाबा जी अगर आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं तो फिर उस दिन आप वहां से भाग क्यों गए थे। नहीं भागे नहीं थे भाई हमारी ट्रेन थी 5:10 की पुरानी दिल्ली से हरिद्वार भागा नहीं थे मैं। लेकिन टीवी वालों पे ने दिखाया कि पुलिस वाले आपको डंडे मार रहे थे। टीवी का क्या है टीवी वाले तो कुछ भी दिखाते कल हिम्मत वाला दिखा रहे थे। बाबा जी हिम्मत वाला से याद आया अन्ना जी ने भी आपके लिए मैसेज भेजा है। उन्होंने आपसे सवाल किया है। बाबा कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ अरे तो फिर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए चुनाव में खड़े क्यों नहीं होते। ये क्या है ये जवाब दे कि ताली बजाए मिमिक्री क्यों की। वैसे तो ये सवाल ही था लेकिन थोड़ा बहुत टैलेंट दिखाना भी जरूरी है। देखो हम लोग चुनाव में नहीं खड़े इस उम्र में कौन हारे और अच्छे आदमी को वैसे भी कोई वोट नहीं करता भैया। जी बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे बाबा योगा के फायदे बताइए। योगा के बड़े फायदे भैया जानलेवा बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाता है जैसे खांसी जुकाम जानलेवा बीमारियां। खांसी जुकाम जानलेवा बीमारियां होती हैं। कभी किसी के मुंह पे खांसा है? नहीं। खांस के देख मुक्का मार के तेरी जान ना ले ले तो कहना। बाबा जी भड़क रहे हैं मुझे लगता है यहाँ पे एक ब्रेक ले लेना चाहिए। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक हो गया जी। कैमरा बंद है जी। कहने खिला कहने खिला क्या अरे रहने दे तेरे को खाता नहीं होता खाता होता तेरे पहले से पता चल जाता। अरे एक बात है ना ये क्या पूछ रहा था पब्लिक पूछ रही तो कुछ नहीं पूछती सारी बातें अपनी मर्जी से पूछ रहा तू है। अरे बाबा जी सही सही सवाल पूछ रहा बता रहा हूँ मैं नहीं तो बाबा बता देगा तेरे चैनल में जो खबरें आती है सब नकली है। पिछली बार क्या बताया था एलियन आए गाय को उठा के ले गए बता देगा बाबा कि आश्रम हमारे से लेके गए थे गाय और एलियन तो खुद बना था। मुझे लगता है बाबा भड़क रहे हैं इससे पहले कि बाबा और भड़क जाएं वापस आते हैं। नमस्कार एक बार फिर स्वागत है आपका बेबात की अदालत में और आज हमारे साथ मौजूद है बाबा जी जोरदार तालियां हो जाए बाबा जी के लिए। तुमने कहा था ना कि ऐसा ऐसा करने से बाल उगाते हैं। ये सब झूठ बात है मैं कई सालों से कर रहा हूँ मेरे तो अभी तक नहीं आया। देखो भैया फसल वहाँ पे उगती है जहाँ जमीन उपजाऊ हो या तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। तुम्हारी परेशानी ठीक हुई बेटी? अरे मेरी परेशानी दूर होने की जगह बढ़ गई ये देखिए
मेरी वजह से क्यों लूट? मैं तुम्हारे दूल्हे की घोड़ी लेके भाग गया था, कमाल कर रही है। तुम्हारी वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही, मेरा जीना हराम हो गया है। भाई देखो, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। तुमने ये आसन किस प्रकार से किया था? ऐसे ऐसे। भाई ये तुम्हारी गलती है, हमने कहा था यहाँ क्यों करना, तुम मुंह के आगे करोगे तो मुंह के बाहर निकलेंगे। यही है लोगों को योगा गलत रिएक्शन कर जाता है। एक आदमी यहाँ पे करके कर, उसकी बगलों में छह फीट लंबे बाल निकला है, अब वो शादियों में कर्टन बनता है। ये सारी बातें छोड़ो, अच्छी भली घर की लड़की को ये जटायु बनाते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आई? जटायु देखो तुम मुझे ठीक करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नजर मार के देख, तेरे से बुरा कोई लग भी नहीं रहा। एक बात बताऊं मालिक, देखो बढ़िया, एक काम करो, पैर उतार के पैरों के अंगूठे घुसे ऐसे करके। हाँ ऐसे होएगा, सब करने से होता है। ऐसे करने से दाढ़ी चली जाएगी? दाढ़ी एक बार जो चीज आ गई वो नहीं जाएगी बेटा, तेरी मूंछें निकलेगी अभी। अभी जब तू तो लड़का बन जाएगी, फिर किसी लड़की ढूंढ के शादी कर लेना, जैसे अर्चना ने की है। बकवास बंद करो और इसका सोल्यूशन बताओ। इसका एक ही सोल्यूशन है, बाबा बन जाओ। फिर मेरी शादी कैसे होगी? हाँ भाई, शादी के बाबा सख्त खिलाफ है। मतलब आप शादी के खिलाफ हैं? बिल्कुल खिलाफ है, शादी करके भी तो वही सब कुछ करना है। मतलब बच्चे खिलाओ, औरत के साथ झगड़ा करो, लड़ाई होगी तो उसकी चोटी खींचो, वो मेरी खींचेगी, मेरी तो है भी दो। अरे लेकिन बाबा जी, आपने तो ये भी कहा था कि आप कोल्ड ड्रिंक के भी खिलाफ हैं। भाई उसके पीछे एक बड़ी लंबी मुक्की है, कहानी है। हाँ हम लोगों ने, एक बार गर्मी लग रही थी मेरे को, मेरे दुकानदार से कहिए भैया कोल्ड ड्रिंक पिला दो, पैसे कल ले लेना। उसने मुक्का मारा, तब से बाबा कोल्ड ड्रिंक के खिलाफ है। लेकिन जब से बाबा ने यह किया है, गाय भैंसे बाबा को देखते दूध देने लगती है, कहते कहीं बाबा दूध के खिलाफ ना हो जाए। अरे दूध की बातें कर करके ना मेरे दिमाग की दही कर रहे हो, ये बताओ इसका उपाय क्या है? इसका कोई उपाय नहीं, मैंने तो पहले कहता हूँ मेरी तरह बाबा बन जाओ। तुम्हारी तरह बाबा मतलब? देखो मेरी, इधर आओ बैठो। मैं भी पहले बाबा नहीं था, ऐसे ऐसे करने को किसी ने बोला तो मेरे चारों तरफ बाल निकला है, मैं बाबा बन गया। वैसे मेरा नाम है सुषमा, सुषमा प्रजापति, ग्वालियर से। क्या? हमारे महेंद्र भाई थे देहरादून वाले, उनके रिएक्शन कर गए, उनकी दाढ़ी गायब हो गई, अभी औरत बन के घूम रहे। जजेस मुझे लगता है हमारे शो को यहीं खत्म करना चाहिए, क्योंकि कहीं ये बाबा मेरी पोल बिना खोल दे कि मेरा नाम पूनम है। नमस्कार। तो महेंद्र या अर्चना, क्या कहेंगे आप इस एक्ट के बारे में? मुबीन आपसे शुरू करती हूँ। ये कैरेक्टर पहले एक आध बार किया गया है, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। श्वेता हैट्स ऑफ, आप क्यों मुंह छुपा रही हैं? यू शुड शो इट वेरी वेरी प्राउडली बिकॉज यू डिड अ फाइन जॉब, वेरी नाइस परफॉर्मेंस श्वेता। बाबा जी आपके दर्शन, वाह वाह, बहुत दिनों बाद हुए हैं एक बार फिर। यू डिड अ वेरी गुड जॉब कपिल, वेरी नाइस। थैंक यू मैम। थैंक यू आर्ची। और बात आज इस एक्ट की खूबसूरती ये थी कि जो कैरेक्टर्स आप प्ले कर रहे थे वो आप दिख रहे थे, तो आज आप एक बाबा का रोल प्ले कर रहे हैं, और व्हेनेवर यू डू समथिंग यू ऑलवेज ऐड समथिंग टू अ पर्टिकुलर कैरेक्टर और रोल, एंड वी सॉ दैट टुडे। एंड मुबीन टुडे आपने थोड़ा सा, आपका जो कैरेक्टर था वो बड़ा एक संजीदा सा कैरेक्टर था, बड़ा स्ट्रेट जैकेट कैरेक्टर था, लेकिन उसको आपने बड़ा बाखूबी निभाया। वो बहुत अच्छा ऐड किया, वो उनका हंसने का अंदाज जो बिल्कुल सही नहीं होगा, नोबडी नोज हाउ ही लाफ्स। कैसे हंसते? जजेस प्लीज आप अपने स्कोर्स लिख लीजिए। एक बार कपिल, मुबीन और श्वेता के लिए जोरदार तालियां। कॉमेडी सर्कस के अब तक के सबसे बड़े सीजन का ग्रैंड फिनाले सिर्फ एक कदम दूर है। यहाँ ऐसे ऐसे कारनामे होंगे जो आपने पहले किसी भी कॉमेडी शो पर नहीं देखे, तो एक हैरत अंगेज हंगामेदार हाहाकारी ग्रैंड फिनाले के लिए मिलते हैं यही ओनली ऑन फ्रूडी प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे।